और ये इसमें खो जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि चेरी ट्री के दरख्त को देखने इसकी खूबसूरती को महसूस करने लुफानदोज होने इंजॉय करने और अप्रीशियट करने ये उनकी उम्र भी कम जैसे कहा जाता है तुझको मिलकर ये एहसास हुआ है मुझको ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है तो यहाँ भी पोइट को कुछ ऐसी ही फील आइए पढ़ते हैं पोएम की लाइंस जैसा कि पोएम का टाइटल है लवलीस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाव लवलीएस्ट मीन द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज़्यादा बहुत ज्यादा लवली तमाम दरख्तों से ज्यादा दिस इज द चेरी नाउ इट मीन नाउ द पोइट फील्स डेट द चेरी ट्री इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल दरख्तों से हर चीज से ज्यादा ब्यूटीफुल इज हंग विज हंग हंग इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ हैंग यानी लटके हुए विद ब्लूम ब्लूम इज द स्टेट ऑफ बींग फ्लॉट के जब वो फूलों से भरे हुए जब किसी चीज पे फूल आते हैं ट्री या प्लांट पे जब फूल खिलते हैं या जब कोई चीज अपने पूरे जोबन पर होती है वैन इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल देन इट इज कॉल्ड ब्लूम वेन द लुक्स एट द ट्री एट डेट नाइन इट वॉज फुलग दोमीन ब्रांचेस टहनिया इसकी टहनिया फूलों से भरी हुई हैं और झुकी हुई हैं यानी कि इसके फूलों से भरी हुई टहनियां नीचे की जाने झुकी हुई हैं is hung with bloom along the board. now it is looking the most beautiful it is full of flowers it is at its bloom out the woodland ride woodland means जंगल की जानिब जाने वाला एक रास्ता ride श लगता है कि इस रास्ते पर horse riding भी की जा सकती है यानी कि घोड़े के सफर का यह रास्ता यह जंगल की जानिब जाने वाले रास्ते पर है it mean it is not inside the forest यह जंगल में नहीं है वुडलैंड के अंदर नहीं है बल्कि वुडलैंड की तरफ जाने वाले रास्ते पर है it is outside the woodland के बाहर है प्लेयर सिंबोलाइजेस द टफ चैलेंजेस ऑफ लाइफ तो वुडलैंड एक सिंबल है इस जिंदगी का इस दुनिया का इस ट्री इस दिस ट्री इज आउटसाइड दिस वुडलैंड ये वहाँ नहीं है बल्कि इसके बाहर है तो इस लाइन में प्लेस बताई जाती है कि ये चेरी ट्री कहाँ है व्हाट इज द प्लेस ऑफ दिस चेरी ट्री वेयरिंग वाइट फॉर एस्टर टाइड द फ्लावर्स ऑफ द ट्री इज ऑफ वाइट कलर अब यह जो फूल है ये सुफेद रंग व्हाइट कलर इज अक्रेड कलर इट सिम्बोलाइज प्योरिटी फूलों से ढका हुआ यह ट्री एक मुकदस मालूम होता है एंड इट सीम्सम दस्टर नाउ इट इज कंफर्म डेट इट इज स्प्रिंग सीजन बिकॉज इट सीम डेट ईस्टर इज अप्रोचिंग ईस्टर इज अ रिलीजियस फेस्टिवल इन क्रिस्टियनिटी क्रिस्टी का ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है और ऐसा लगता है की सफेद फूलों

नौ ऑफ माई थ्री थ्री का मतलब है तीन स्कोर का मतलब है ट्वेंटी थ्री स्कोर मीन ट्वेंटी 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 इट मीन सिक्सटी सिक्सटी यर्स एंड टेन इट प्लस टेन यानिटी प्लस टेन इट मीन सेवेंटी वो ये ख्याल करता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा मेरी एज सेवेंटी ईयर हो सकती है तो ट्वेंटी विल नॉट कम अगेन ट्वेंटी उसकी एज के बीस साल जो के गुजर चुके हैं वो अब वापस नहीं आएंगे तो योर पोइट की लाइफ पे एक नजर डालें तो हमें ये पता चलता है कि ड्यूरिंग हिज चाइल्ड हुड के बचपन में यह जिस घर में रहा करते थे देर वॉज अ चेरी ट्री जिस घर में इनकी मदर की डेथ हुई थी ही वॉज वेरी यंग यह सिर्फ बारह साल के थे जब इनकी मदर का इंतकाल हुआ अपनी यंग लाइफ में मदर की डेथ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं और इंसानी ज़िंदगी के बारे में ये जान चुके हैं कि ह्यूमन इज़ मॉटल एवरी थिंग कम्स टू इट्स एंड कि हमें एक दिन ख़त्म होना है वी आर नॉट हेयर फॉर एवर जब वो इस चैरीट्री की खूबसूरती को देखते हैं और ख़ुशी महसूस करते हैं और इसके शहर में गिरफ्तार होते हैं तो एक दुख की फीलिंग्स भी उनके साथ हैं इन फैक्ट ही फील्स डर लाइफ स्पेन इज़ टू शॉर्ट उन्हें ऐसा लगता है कि इंसानी ज़िंदगी बहुत ही कम है तो उन्हें इंसानी लाइफ के मॉटल होने का ख्याल रह हो सकता है कि ऐसा इसीलिए है कि यह सब इनकी बचपन की मेमोरीज के साथ जुड़ा हुआ है चैरिटी इसकी ब्यूटी और इस हैप्पीनेस के साथ ही हैज़ द मेमरीज़ ऑफ़

आउट ऑफ सेवेंटी स्प्रिंग्स ट्वेंटी बीन गॉन के सेवेंटी स्प्रिंग्स में से ट्वेंटी स्प्रिंग्स जा चुकी हैं बीस बहारें खो चुकी हैं क्योंकि वो ट्वेंटी ईयर्स के हो चुके हैं इट ओनली लीव्स मी फिफ्टी मोर ट्वेंटी को माइनस करते हुए वो ये समझते हैं Only 50 springs are here for him. Ke ab ki beauty ko dekne karne ke liye, there are only 50 springs. He says that he has only 50 springs to look at the beauty of this charity, to appreciate its beauty, and to feel happiness from its beauty. And since to look at things in bloom, To look at things, के चीजों को देखना इन ब्लूमीफुलजन प्लांट एंड ट्रीज आर लुक मोस्ट ब्यूटीफुल ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन वैन दे बलूम वैन दे आर कवर्ड विद फ्लावर अगर हम चीजों को सिर्फ उस वक्त देखें वैन दे आर एट देयर ब्लूम इट मीन ओनली टू लुक एट द थिंग्स इन स्प्रिंग सीजन स्प्रिंग सीजन इज टू शॉर्ट द ड्यूरेशन ऑफ स्प्रिंग सीजन इज़ नॉट लॉन्ग इनफ ऐसा लगता है कि स्प्रिंग सीजन तो बहुत ही कम है अगर वो इसे सिर्फ स्प्रिंग सीजन में देखते हैं फिफ्टी स्प्रिंग्स आर लिटल रूम फिफ्टी स्प्रिंग रूम मीन लिटल ड्यूरेशन बहुत ही कम टाइम है इट इज़ नॉट लॉन्ग इनफ लाइफ में जो 50 स्प्रिंग्स बाकी बची हैं वो सफिशेंट टाइम नहीं है इसकी ब्यूटी को देखने इंजॉय करने और इससे लुत्फानदोज होने में तो फिर वो ऐसा कुछ प्लान करते हैं वो कहते हैं अबाउट द वुडलैंड आई विल गो कि मैं वुडलैंड की तरफ जाऊंगा टू सी द चेरी हंग विद स्नो अब यहाँ उन्हें किसी मौसम का जिक्र नहीं किया लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि द पोएट प्लान्स डेट ही विल यूज टू गो एट द बुड लैंड नॉट ओनली इन द स्प्रिंग सीजन बट ऑल्सो इन विंटर सीजन के स्प्रिंग और समर में तो वो जाएंगे ही वो ये समझते हैं कि मैं विंटर विंटर में भी जाएंगे तो ये टू लुक एट द चैरिटी वेन इट इज कवर्ड विद स्नो जब यह स्नो से यानी कि बर्फ से ढका हुआ होगा तो उस ब्यूटी को देखेंगे क्योंकि उन्हें उनसे इस कदर मुहबत है उन्हें यह इतना अच्छा लगता है सो कैप्टिवेटिंग सो इन डेट इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑल ओवर द ईयर In this way, he will be able to spend the maximum time of his life in the company of this cherry tree to enjoy this beauty and beauty of nature.